बाबूजी, बाबूजी, कितनी देर लगा दी तूने? क्या करूं बाबूजी, यहाँ आने के लिए 3 बार बस बदलनी पड़ती है। वो सिस्टर कह रही थी कि हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों बाबूजी? अरे मुझे क्या पता, जा जाके पूछ डॉक्टर से जी। उसे कहना कि तकलीफ और बढ़ती जा रही है। बाबूजी कैसे होगा, जा जाके पूछ। अरे जाना। हाँ जा रहा हूँ बाबूजी, जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बाबूजी को घर जाने के लिए कहा? हाँ काशी, तुम्हारे पिताजी कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। लास्ट स्टेज? आई एम सॉरी काशी, काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? इतना बड़ा अस्पताल, आप इतने सारे डॉक्टर, आप एक बार फिर से देखिए ना बाबूजी को। हम पूरी उम्मीद लेकर आए थे। देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन आप बाबूजी को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए। काशी, तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ 1-1.5 महीना और बस। डॉक्टर ने बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि घर पर दवाई लेकर आप ठीक हो जाएंगे, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अरे पर बताया नहीं तूने कि मेरी दर्द तो बढ़ती जा रही है? बाबूजी उन्होंने दवाई दी है, उसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा, यहाँ मैं रहूंगा तो कभी कोई जरूरत पड़े डॉक्टर है, नर्स है। बाबूजी आप घर में सब अपनों के बीच आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है, फिर हम बनारस ही चले जाएंगे। वो शिव और बहू को भी साथ ले चलते हैं, मुन्ने का मुंडन भी करवाना है। वो मंदिर की सड़क जो बनने वाली है उसकी भी सैंक्शन लेनी है, स्कूल का उद्घाटन करवाना है, ये सब काम मेरे वहां होते हुए जल्दी ही हो जाएंगे 2-4 महीने में। अच्छा। जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बची खुची जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूं, बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, ना ना बेटा, ना काशी, ना ना काशी, चल बेटा, चल देख, चल चल बेटा, चल उठ उठ बेटा, उठ बेटा, और देख घर में किसी से मत कहना, वो खाम खा परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। अच्छा चल चल बेटा, उठ 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 उठा समा,
आप भी मजाक कर रहे हो दादा, हमारे आदमी साले मार खाकर आ रहे हो और आप हंस रहे हो। भाई हंसू नहीं तो क्या करो, अब जरा सोचो, भरी बाजार में एक अकेला आदमी हमारे 10-10 आदमी को मार रहा है, क्या नजारा होगा। काशी 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 चल 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 मेरे साथ, अरे छोड़ी से ना, चल चल मेरे साथ जल्दी चल। क्या हुआ? हुआ शिला, किसी से झगड़ा हुआ क्या? अरे क्या हुआ? चल चल अरे बताऊं क्या बताऊंगा, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। शिवा क्या हो रहा है, किधर लेके जा रहे हो काशी को? बाबूजी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार देंगे ना मुझे, मार जाऊंगा लेकिन बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। भैया आप नहीं जानते कि डॉक्टर साहब ने कहा है बाबूजी को गले का क्या है? वो कोई सगा लगता है बाबूजी का क्या? मैं बेटा हूं उनका, मैं, मुझे भी चिंता है उनकी। काशी देख तू समझने की कोशिश कर, तेरे यहां रहने से हम सबको खतरा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तू पिताजी की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उन्हें। तू ऐसा कर, तू ये पैसे रख ले, यहां से सुबह सुबह ट्रेन जाती है, तू उसी में चला जा, तेरा यहां रहना ठीक नहीं है। मैं चलता हूं। ये जानते हुए भी कि काशी की जान को खतरा है, तू उसे वहां अकेला छोड़ाया इस अजनबी शहर में, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या? बुजदिल कहीं का? अरे वो तेरा सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ, भाई से भी बढ़कर है वो, तुझ पर चार छिड़कता है, तुझसे अच्छा तो वो है। जब तू यहां चला आया था ना कुछ बनने के लिए, तब उसने देखा था मुझे वहां, एक बेटे के सारे फर्ज निभाए थे उसने। खरा सोना है मेरा बेटा काशी, खरा सोना। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा अपने काशी के पास, वहीं जाके दम तोड़ूंगा। चार आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे, सुन ले, अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। अरे बुत बनकर कब तक बैठा रहेगा, मुन्ना को कौन लेकर आएगा? वो लोग कह गए हैं कि मुन्ना को ले जाने के लिए पहले काशी को लेकर आओ, तेरा भाई काशी तो यहां है नहीं, तो मुन्ना कैसे आएगा? अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो? भोलेनाथ, भोलेनाथ तेरी हमेशा कृपा रही है हम पर। बिट्टू कातिया कहाँ है? अरे काशी बात क्या है इतनी रात को? कातिया? हाँ कातिया चाहिए, चलो कातिया के पास। अरे लेकिन हुआ क्या? मुन्ना को लेके, पिंटू मुन्ना को, उन्हें काशी चाहिए, काशी मिलेगा, चलो कातिया के पास। अरे मगर कातिया, अरे चीट डालूंगा, फाट डालूंगा कातिया को, अगर मुन्ना को खरोश भी आया तो। नहीं नहीं काशी तुम सबर करो, मुन्ना को कुछ नहीं होगा, गॉड उसको देखेगा, और कातिया को ऐसे कोई जाकर नहीं मिल सकता, उसका भाई लोग का भी पता नहीं रहता है। हाँ तू कल शाम को अंत्या को मिल सकता है, रोज शाम को गल्ला लेने के लिए सिटी लाइट क्लब पे आता है। काशी यही मिलेगा वो। हाँ अंत्या मिलेगा ना, तू फिक्र मत कर, वो रोज आता है इधर, दो आदमी चल। इस जगह पर नहीं जाना तू, हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है और खाने का अलग होता है, अंदर चल कुछ और ही जलवा है, उधर देखेगा तू। ए क्या हुआ? कुछ नहीं। तू उसे जानता है क्या कहीं? हाँ। ये वो गौरी तो नहीं? नहीं। ये लो भाई आज का कलेक्शन। इतना कम? काशी अंत्या ये धंधा इतना कम हो रहा है या कुछ चोरी कर रहा है? ऐसा कर तू जाके चंदू को दे। हाँ भाई ये माल अंदर कर। अगर तू ऐसा करेगी गौरी तो कैसा चलेगा, क्लब वाले तो निकाल देंगे ना, और हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तेरी दीदी का इलाज कैसे कराऊंगा, क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत से टेस्ट करवाने बाकी हैं, अब तू ही बता। घोड़ी जब लंगड़ी हो जाए तो उसे गोली मार देते हैं, इंसान का क्या करें, कुछ नहीं। अपने बीवी के बारे में इस तरह बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ नहीं। ठीक है बच्चा मिलेगा, मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अकरम खान पख्तूनी से लड़ना पड़ेगा।
मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ। ये राक्षस बहुत डेंजरस है, ये आदमी को मारता है और फिर उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है, ऐसा सुना है मैंने। काशी का दिल निकालने के लिए दिल चाहिए। अच्छा किया जीजा जी जो रोक दिया, वरना सात भाइयों की जगह छह रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। ऐसा ही समझो। तो क्या हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया।